देखो चैप्टर का नाम है पीजीबीपी इसके अंदर हम लोग पहला पार्ट पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन थर्टी टू डेप्रीसिएशन को कवर कर रहा है थर्टी टू इसमें हम लोग पढ़ते क्या है ये तो हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि डेप्रीसिएशन लगता है एसेट के ऊपर पर अकाउंट्स में हम लोग जैसे डेप्रिसिएशन देते हैं वैसे हम लोग टैक्स में डेप्रीसिएशन नहीं देते हैं टैक्स में डेप्रिसिएशन देने का अलग तरीका है टैक्स में डेप्रिसिएशन कैसे होता है एक तो हर एसेट का रेट ऑफ टैक्स फिक्स किया हुआ है अकाउंट्स में ऐसा कुछ फिक्स किया हुआ नहीं है जो ओनर है जो प्रोपराइटर है उसको जो रेट मन करता है वो उस रेट पे टैक्स देता है डेप्रिसिएशन uh, देता है पर टैक्स में हम लोगों का डेप्रिसिएशन फिक्स है ये लर्न करके जाना पड़ेगा रेसिडेंशियल बिल्डिंग का 5% ये इस तरह पूरा दिया हुआ है याद कर लेना अब दूसरा बात क्या है वहां पर हम लोग मंथ में देते हैं जैसे अगर एसेट तीन महीना यूज किए हैं तो हम लोग डेप्रिसिएशन सिर्फ थ्री मंथ्स के लिए देते हैं अगर एसेट हम लोग सेवन मंथ्स यूज किए हैं तो डेप्रिसिएशन सेवन मंथ्स के लिए देते हैं पर टैक्स में हम लोग क्या देखते हैं कि एसेट 180 दिन यूज हुआ है या नहीं हुआ है अगर एसेट वन डेज या वन डेज से ज्यादा यूज हुआ है तो फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर 180 एट्टी डेज से कम यूज हुआ है तो हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जैसे एक एग्जाम्पल लो जैसे हम लोग का प्लांट एंड मशीनरी है प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन रेट कितना है ये वाला हम प्लांट एंड मशीनरी ले रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन रेट कितना है ट्वेंटी परसेंट अब सोचो जो प्लांट एंड मशीनरी है वो खरीदे हुए मेरे को वन uh, डेज हो गया है खरीदे हुए नहीं यूज करते हुए 190 डेज हो गया है, तो हम 20 ही देंगे। पर अगर मेरा यूज किए हुए 140 डेज हुआ है, मतलब 180 दिन से कम यूज किए हैं तो हम देंगे 10 परसेंट डेप्रीसिएशन मतलब 20 परसेंट का हाफ हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तीसरा डिफरेंस क्या है अकाउंट्स में हम लोग जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है हम लोग एसेट को यूज करते हैं या नहीं अकाउंट्स में हम लोग खरीदे हैं तो अगर खरीद के ले आए हैं उसी दिन से उसका डेप्रिसिएशन शुरू हो जाता है हम लोग उसको यूज किए या नहीं किए वो इरेलीवेंट होता है पर टैक्स में कब खरीदे इससे मतलब नहीं है उसको किस दिन से यूज करना शुरू किए दैट डेट इज इंपॉर्टेंट अब सारा बात इंग्लिश में देखो in pgbp assets should be depreciated on the basis of assets put to use and not for date of purchase of asset pgbp mein jab hum log asset ki depreciation denge to तो put to use matlab kis din use karne se use करना शुरू किए हैं वो date important है किस दिन purchase किए हैं वो date important नहीं है दूसरा बात when asset is put to use for more than 180 days then rate of depreciation is to be charged at full rate of depreciation 3 mein hai when asset is put to use for less than 180 days or 180 days then rate of depreciation will become half iske baad bol raha hai ye depreciation ka format hai ye yaad kar lo sum करते वक्त हम बताएंगे इसको करना कैसे है पर अभी फिलहाल के लिए format याद करो ओपनिंग डब्ल्यू डीवी एड एस इट्स लेस सेल्स प्रोसीड क्लोजिंग डब्ल्यू डीवी मतलब हम लोग के पास पहले से कितना था हम लोगों ने कितना परचेस किया हम लोगों ने कितना सेल कर दिया अब लास्ट में कितना बचा है अब ये रेट याद कर लेना है अब बोल रहा है इनकम नॉट टैक्सेबल कौन कौन सा इनकम टैक्सेबल नहीं होता है यहाँ पर इस चैप्टर में कौन कौन सा चीज टैक्सेबल नहीं होता है पहला रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्यों ये तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल है डिविडेंड ऑन शेयर अगर हम लोग को शेयर के ऊपर डिविडेंड मिलता है तो ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है विनिंग फ्रॉम रेसेस अगर हम लोग लॉटरी ये सबसे पैसा पाते हैं तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है कोई भी एक्जेंटेड इनकम तो कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं है क्योंकि वो तो एक्ज है तो यहाँ पे हम लोग का डिप्रीसिएशन अंडर सेक्शन थर्टी ओवर हो जाता है फिर आता है एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन थर्टी टू सब सेक्शन वन अब इसमें क्या लिखा है कुछ कुछ चीज पे ऊपर गवर्नमेंट हम लोग को एडिशनल डेप्रिसिएशन देता है हम लोगों की बेनिफिट के लिए ये एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट किसको मिलता है जो जेनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बिजनेस में है याद रहे जिसका जेनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का बिजनेस है सिर्फ उसी को एडिशनल डेप्रीसिएशन मिलता है असेसी का का खुद इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होना चाहिए खुद का इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सब कुछ एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक वर्ड एसेट्स मस्ट बी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड आफ्टर थर्टी मार्च टू ये एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट कब आया था थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फाइव में इसलिए जो भी ऐसा असेट um, हम लोग इस डेट के बाद खरीदें सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा तो डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एसेट शुड नॉट बी सेकेंड हैंड इट शुड बी न्यूली परचेज याद रहे जो भी एसेट हम लोग खरीद रहे हैं वो सेकेंड हैंड नहीं होना चाहिए वो नया खरीदा हुआ होना चाहिए इट शुड बी ओनली प्लांट एंड मशीनरी

इस भी सेम है, अगर, 180 दिन से कम यूज है तो अगर इस साल हम लोग एक सौ 180 दिन से कम यूज किए हैं तो इस साल 10 परसेंट मिलेगा और नेक्स्ट ईयर 10 परसेंट मिल जाएगा ऐसा नॉर्मल डेप्रिसिएशन में नहीं होता है एडिशनल डेप्रीसिएशन में अगर इस साल दस परसेंट मिला है तो नेक्स्ट ईयर हम लोग को दस परसेंट मिल ही जाएगा फिर बैकवर्ड एरिया में अगर हम बिजनेस करते हैं याद रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बैकवर्ड एरिया में हम लोग बिजनेस करते हैं तो additional depreciation है थर्टी फाइव परसेंट और वो कब सेटअप होना चाहिए 1, 4, 1, 4, से अगर मेरा बिजनेस सेटअप शुरू है तो मेरे को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा थर्टी फाइव परसेंट क्यों ये सब के ऊपर इतना ज्यादा है क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि बैकवर्ड एरिया आ, में मतलब इम्प्रूवमेंट आए इसलिए इतना हाई रेट ऑफ डेप्रीसिएशन देता है कि लोग एनकरेज हो बिजनेस करने के लिए अब बैकवर्ड एरिया मीन वॉट कौन कौन सा स्टेट आंध्र प्रदेश बिहार तेलंगाना और वेस्ट बंगाल ये चार स्टेट को बैकवर्ड एरिया कह, कहा जाता है इन चारों पे अगर हम कुछ भी चीज का बिजनेस करते हैं तो 35 परसेंट एडिशनल डेप्रिसिएशन है देखो अब आता है एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट एक्चुअल हम बार बार यूज कर रहे हैं देखो हम यहाँ भी लिखे थे मतलब तुम लोग बोलोगे मैम ये तो ऑब्वियस है एक्चुअल इसको बताने की क्या जरूरत है ये इसलिए बताने की जरूरत है क्योंकि तुम लोग फैमिलियर होते हो अकाउंट्स से टैक्स से तुम लोग फ्रेंडली नहीं हो तो अकाउंट्स में हम लोग क्या जानते हैं अगर हम लोग एक मशीन खरीद कर लाए उसका दाम है लाख, उसको इंस्टॉल किए, उसके ऊपर खर्चा लग गया दस हजार तो हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट है एक लाख दस हजार यही हम लोग सीखे अकाउंट्स में बट टैक्स में ऐसा नहीं है टैक्स में वो इंस्टॉलेशन ये सबको इसमें ऐड नहीं करते टैक्स में एक्चुअल कॉस्ट वही है जितने में एसेट खरीद कर लाए हैं उसको खरीदने के बाद उसके ऊपर जितना खर्चा किए वो सब एसेट के कॉस्ट प्राइस में एड हो जाएगा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है याद रहे यही सब डिफरेंस के ऊपर एमसीक्यू पूछता है क्योंकि उन लोगों को पता है स्टूडेंट्स अकाउंट्स के व्यू पॉइंट से आंसर कर करके आएगा तो हम लोग को केयरफुल uh, रहना है एक्चुअल कॉस्ट में सिर्फ परचेज प्राइस आता है टैक्स में और कुछ भी नहीं डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन द प्राइस ऑफ द एसेट एंड नॉट ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट सम में जान मुझके उसका मार्केट वैल्यू भी देगा तो याद रहे हम हर जगह लिख दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट इन बैकवर्ड एरिया अंडर सेक्शन थर्टी टू ए डी ये क्या है अगर हम किसी बैकवर्ड एरिया में आ, करते हैं प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं तो हम लोगों को मिलता है अभी हम ऊपर लिखे थे पॉइंट नंबर सेवन में तो उसके ऊपर सेक्शन है थर्टी टू ए डी सेक्शन याद रखना पड़ेगा एमसीक्यू में सेक्शन पूछता है तो बैकवर्ड एरिया के लिए थर्टी टू डी सेक्शन है तो सेवन एट को हम इलेबोरेट कर रहे हैं इट शुड बी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैकवर्ड एरिया में हम कोई दुकान खोल लेंगे तो नहीं होगा हमको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना होगा इट मस्ट बी बैकवर्ड एरिया मतलब इस चार स्टेट में से कोई एक स्टेट होना चाहिए बिहार और झारखंड दोनों आता है ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ बिहार है झारखंड भी

तब 35 परसेंट पर क्लियरली अगर लिख दे कि इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी तब 15 परसेंट मतलब बैकवर्ड एरिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो बहुत कुछ लगता होगा किसी और चीज पे 35 परसेंट सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर पंद्रह और यही हम लोग का पहले भी रेट दिया हुआ था ये यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर पंद्रह ये डेप्रिसिएशन तो मिलेगा प्लस एक्स्ट्रा हम लोगों को पंद्रह परसेंट भी मिलेगा प्लांट पे सिर्फ सिर्फ प्लांट पे इफ द न्यू एसेट एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड सोल्ड और ट्रांसफर्ड विद इन पीरियड ऑफ फाइव इफ फ्रॉम द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड शेल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द एसेट एंड इट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर पी अब क्या मतलब हुआ जैसे बहुत सारा आदमी लोग क्या करता है बैकवर्ड एरिया में जाके एक मैन्यूफेक्चरिंग यूनिट बनाता है ठीक है वहां पे प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी ले लेता है अब इसके बाद हम लोग को बोल रहा है कि जो एसेट हम लोग नया खरीदेंगे वो पांच साल के अंदर हम लोग सेल नहीं कर सकते मतलब विद इन फाइव इयर्स हम लोग उसको सेल नहीं करेंगे कम से कम पांच साल यूज करके हम लोग को उसको बेचना होगा अगर हम लोग उसको पांच साल यूज करने के पहले ही बेच दिए तो वो इनकम वो टैक्स वो इनकम मान लिया जाएगा कि एसेट बेचने पे हम लोगों को इनकम हुआ है और वो टैक्सेबल हो जाएगा इसके बाद हम लोगों को बोल रहा है अच्छा और डीमर्जर सोचो पांच साल के पहले ही हम लोगों का एमलगमेशन हो गया मतलब एक कंपनी दो कंपनी ए बी लिमिटेड जुड़ गया या फिर अलग हो गया तो एसेट भी इधर उधर हुआ होगा उसको सेल uh, नहीं मानते वो ठीक है उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर खर्च करना देखो साइंटिफिक रिसर्च सबको पता है डेवलपमेंट के लिए है अब साइंटिफिक रिसर्च में दो तरीके से खर्च होता है पहला मेरा खुद का हम खुद साइंटिस्ट है या मेरा खुद का कंपनी है जिसमें हम रिसर्च चलाते हैं जैसे अभी बहुत सारे दवाई की कंपनी है जो कोरोना के लिए दवाई निकाल रहा है तो वो डेफिनेटली साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है तो कंपनी खुद भी रिसर्च करवाती है बड़े बड़े साइंटिस्ट को बुलवा कर जेनरली दवाई की कंपनी या फिर मेडिकल में डील करता है ये लोग तो वहां पे साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है मेरा खुद का कंपनी में और दूसरा मेरा खुद का कोई कंपनी नहीं है जैसे हम हम तुम तुम लोग किसी का तो कोई साइंटिफिक रिसर्च होने वाला कंपनी नहीं है पर हम लोग दूसरों के कंपनी में डोनेट करते हैं अगर हम लोग दूसरों के कंपनी में डोनेट कर दें तो वो भी तो हम लोग का खर्चा है साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर तो पहले माइंड में